नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बैंक के अंदर नमाज पढ़ने और इफ्तार करने का वीडियो वायरल होने के बाद इस मौके पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है और डीएम को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी में प्राइवेट बैंक HDFC में अलविदा की नमाज के दौरान बैंक के अंदर ही नमाज अदा की गई और इसके बाद सभी लोगों को इफ्तारी दी गई। इस दौरान बैंक मैनेजर ने सभी इफ्तारी करने वालों को गिफ्ट भी दिए। बैंक परिसर में नमाज और इफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसके बाद हिंदू संगठन बजरंग दल और शिवसेना ने बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम को चिट्ठी लिखी है। वहीं प्रशासन ने इस घटना के बाद अपने कई सरकारी खातों को दूसरे सरकारी खातों में शिफ्ट कर दिया है। हालांकि इस फैसले के पीछे सरकारी आदेश का हवाला दिया गया है। सरकारी खातों को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने को लेकर परियोजना अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि हमारे कई खाते HDFC बैंक में थे, लेकिन ऊपर से आदेश आए थे कि इन खातों को सरकारी बैंक में शिफ्ट कर दिया जाए, जिसके बाद हमने ऐसा किया। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अवश्य हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।